अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमेशा चुप रहा मैं, कुछ भी नहीं बोला मैंने। आज के बाद अगर किसी ने भी गजल के खिलाफ एक और अल्फाज कहा तो अच्छा नहीं होगा। बेचारी गजल पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उसे हमेशा नीचे दिखाया जाता है। आज पता चला मुझे कि बार बार बेइज्जती होने पर कैसा महसूस होता है। अम्मी, आज तक सब लोगों ने आपकी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाया और मैंने इन सब की बातों में आके आपको अनसुना किया। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं पहले कभी आपका दर्द नहीं समझ पाया। अपनी माँ और मोहब्बत की इज्जत करना मैंने आपसे सीखा है दर भाई। अगर बड़ी अम्मी और दुआ भाभी के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो आप सुन सकते थे? नहीं सुन सकते ना, तो मैं भी नहीं सुन सकता। भाई बेहतर होगा कि आप दुआ भाभी को लेके कमरे में चले जाएं। कुछ भी बके जा रही हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चिल्ला मत, बड़े भाई हो ना रुहान के, गलती करे तो इसे डांट सकते हो तुम, जरूरत पड़े तो तमाचा भी मार सकते हो, लेकिन इस वक्त रुहान गलत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों गलत हो। लेकिन अम्मी, दुआ भाभी झूठ नहीं बोल रही है, वो सच कह रही है, मैंने खुद देखा है। अम्मी तुम ही बची थी इस तमाशे को बढ़ावा देने के लिए। बस अब कोई बहस नहीं होगी, अब जाओ सब लोग निकलो यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप बात समझ कहा है दू, कोई बहस नहीं चाहिए, साफ अल्फाजों में कहा, बस खत्म करो ये बात, अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ तुम। मुझे पूरा यकीन है कि गजल ने ही दादी अम्मी के साथ कुछ किया है, पर क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।